दोस्तों हम सभी लोग जंगली जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर में जाते हैं। पिंजरे में बंद ये खूंखार जानवर काफी बेबस नजर आते हैं, लेकिन हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि आज के कई सालों पहले ह्यूमन जू भी हुआ करता था? जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। ठीक इसी तरह से 1800 से लेकर 1900 तक यूरोप में ह्यूमन जू काफी ज्यादा प्रचलन में था। इनमें इंसान को पिंजरे में कैद करके रखा जाता था और लोग इन्हें देखने के लिए आते थे। यूरोप के कई सारे जगहों में जैसे कि पेरिस, जर्मनी, हैमबर्ग, एंटवर्प, बेल्जियम, बार्सिलोना, स्पेन, मिलान, पोलैंड और लंदन में ये ह्यूमन जू काफी प्रसिद्ध थे। इन इंसानों में अफ्रीकी ट्राइब्स से लेकर अमेरिका के मूल निवासी शामिल रहते थे। या सामान्य भाषा में कहें तो अश्वेत या काले लोगों को पिंजरे में कैद कर दिया जाता था। साल 1889 में पेरिस में इंसानों के वर्ल्ड फेयर में करीब 1,80,00,000 लोग पहुंचे थे। इसी फेयर में 400 अफ्रीकन लोगों को कैद करके इस भीड़ के सामने पेश किया गया था। उस वक्त समाज में अश्वेत वर्ण के लोगों की दशा काफी ज्यादा दयनीय थी। उनका समाज में स्थान ना के बराबर था। समाज में उन्हें और जानवरों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था। वो किसी मनोरंजन के साधन से ज्यादा नहीं थे। ह्यूमन जू में बेबस इंसानों की बेबसी का लोग जमकर मजा लेते थे। कसूर सिर्फ इतना था उनका कि वे काले थे, जिनकी दर्दनाक प्रदर्शनी को देखने के लिए गोरे लोग आते थे। ह्यूमन जू के लिए इन काले वर्ण के लोगों को किडनैप करके लाया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, किडनैप करने के बाद उन्हें लोकल जू में अन्य जानवरों के साथ बेहद ही दयनीय स्थिति में रखा जाता था। दोस्तों आगे चलकर काले गोरे रंग में होने वाले विभेद के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, जिससे इनमें सुधार भी हुआ। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर काले गोरे लोगों में विभेद किया जाता है। दोस्तों आपको ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज मैं हमेशा लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।